बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब, आपके लिए तो बहुत लाखों सलाम है। मेरे बेटी बात कर रही हूँ आपकी, और आपका प्रोग्राम का नाम रहम टीवी। आप खुद बहुत रहम दिल है, आप मेरे लिए दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला एक माँ पे रहम फरमाए। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरा बेटा घर से जा चुका है, किसी लड़के के चक्कर में है, और वो लड़के पे इतना उसने उस कंट्रोल किया हुआ है कि वो घर नहीं आ रहा वापस, और मुझे लगता है कि किसी गलत चक्कर में है। प्लीज मुझे मेरे लिए दुआ करें और मुझे बताएं मैं क्या पढ़ूं, मेरा बेटा वापस आ जाए। किसी मुसीबत या किसी बड़े किसी चक्कर में या गलत किसी उसमें काम ना हो जाए उसका, या कोई इस्तेमाल ना कर ले उसे। एक माँ की तड़प आप समझ सकते हैं कि क्या होगी, किसी पल सुकून नहीं मुझे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वाकई आपकी बड़ी दासन दुखी है, और आपने जिस अंदाज से ये इजहार मोहब्बत किया, अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल व मंजूर फरमाए। इंशाल्लाह बिल्कुल, मैं भी रहम की दुआ करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आप पर, आपके बच्चे पर ख़ास अपना नज़र करम और रहम नाजिल फरमाए, और जो भी हालात है वो साजगार हो जाएँ। पढ़ने का आप नोट कर लें, सूरत फतह की आखिरी आयत। सूरत फतह की आखिरी आयत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से शुरू होती है। यह आखिरी आयत आपने रोज़ाना जो वो 41 मरतबा पढ़नी, 41 टाइम पढ़नी है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ़, ये पढ़ के अल्लाह से फरियाद करनी है, दुआ करनी है, और बेटे पर तसव्वुर में ला के उसके ऊपर फूंक देनी है। तो ये 41 डेज ही आपने ये अमल करना है और दुआ करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से बेटा आपका ये सारे जो भी फजूल जमेरे छोड़ के आपके पास वापस आ जाएगा। यह आयत आयत गौस कहलाती है, तो ख़ास अल्लाह का नज़र करम आपके साथ शामिल हाल हो जाएगा। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बाकी उसके अलावा चलते फिरते हर वक्त जो है ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम, इसका वेद रखें बेटे का तसव्वुर करके, इंशाल्लाह सब दुरुस्त हो जाएगा। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर।